आपको लिए चलेंगे पंजाब कॉलेज गुलबर्ग कैंपस, जहां पर ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक तकरीब जारी है और CTO राय इजाज इस वक्त तलबा को खसूसी लेक्चर्स दे रहे हैं। ना सिर्फ लाहौर का बल्कि पूरे पंजाब का, पूरे पंजाब की आवाज़ बन चुका है। इतने स्टूडेंट्स में इनसे यही पूछ रहा था कि आपके लाहौर में कितने स्टूडेंट्स होंगे, तो इतनी इन्होंने स्टूडेंट्स की तादाद बताई है। अगर वही लोग हमारे जो ट्रैफिक कमीशन है, जो हमारे शहीद कैप्टन अहमद मुबीन शहीद कमीशन है, उसको लेके आगे चलें तो बहुत बड़ी बेहतरी आ सकती है। लाहौर की सड़कें बहुत बेहतर हो सकती हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए तमाम ये एक आलमी जो हफ़्ता है ट्रैफिक की आगाही के हवाले से ये मनाया जा रहा है, और ये आज की तकरीब भी उसी का एक हिस्सा है। और इसमें जिन लोगों ने तकरीर की है, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा थीम और नौजवानों के दिलों की बातें की हैं उन्होंने, और बड़ी सोचो विचार वाली बातें की हैं। और मैं इन तीनों मुकर्रीन को खराज तहसीन पेश करता हूँ, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने जिस मेहनत से अपनी तकरीर जो है वो लिखी हैं, उस तरीके से की हैं, वो वाकई खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। इसके अलावा जिन्होंने ये सॉन्ग पेश किया है, उनको तो मैं बाद में निबड़ लूँगा अलहदा से, कि वो जो कह रहे थे कि ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी करते हुए जा रहे थे, तो मैं अपने बंदों को भी ये कहा और सर को भी ये कहा कि एक ऐसा थीम सॉन्ग ट्रैफिक के लिए होना चाहिए जो ट्रैफिक के हक में हो। तो ये देखिए, बात ये है कि आप सारे नौजवान हैं और अभी आपने इंशाल्लाह ज़िंदगी में बहुत आगे जाना है, आपके जो ख्वाब हैं वो पूरे होने हैं, आपने आला उहदों पर जाना है, आपने आगे लाइफ में आगे बढ़ना है, अपने माँ बाप की जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी करनी हैं, अपने बहन भाइयों के साथ आपने रहना है, अपनी फैमिलीज़ के साथ रहना है। तो दो तीन बातें जो है वो खुसूसी तौर पर मैं करना चाहता हूँ। एक तो जो वन व्हीलिंग है, इसके हवाले से मैं कहूँगा ख़ास तौर पर जो नौजवान हैं, कि वन व्हीलिंग जो है इसमें आपको एक्साइटमेंट शायद इस बात पर मजबूर करती है कि वन व्हीलिंग करें, लेकिन वन व्हीलिंग पे एक तो कार्रवाई बड़ी सख्त है। अगर वन व्हीलिंग पे अगर आप पकड़े जाते हैं तो फिर उसकी जो सज़ा है वो 7 साल से ज़ायद है, यानी वो उसकी सज़ा अगर प्रूव हो जाती है तो उसकी सज़ा इतनी है। तो ऐसा ना हो कि वन व्हीलिंग करते करते आप जेल के में चले जाएँ और आपका इतना अच्छा करियर है वो इस छोटी सी बात से ख़त्म हो जाए। दूसरी बात यह है कि वन व्हीलिंग आप ये देखें कि आप सुबह तैयार होकर निकले हैं, अपने वालदैन से मिले हैं, बहन भाइयों से मिले हैं, और कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा भाई, कोई ऐसी बहन ये चाहेगी कि उसका भाई जो है वापस जो है वो एम्बुलेंस में आए? मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई भी शख्स हो। तो ये वन व्हीलिंग जो है ये हमारे माशरे का नासूर है, और ख़ास तौर पर जो नौजवान हैं। CTO लाहौर राय इजाज तकरीब से खताब कर रहे थे, उनकी जानिब से कहा गया कि कैप्टन अहमद मुबीन के मिशन को आगे लेकर चलेंगे, यह हफ्ता ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक आगाही का मनाया जाएगा।